हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसको पहले तो शुरू से सुनिएगा, उसके बाद देखिएगा इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। क्योंकि ये वीडियो एक केवल एक वीडियो नहीं है, इसके 10 पार्ट हैं। दोस्तों, कई लोगों ने मुझे ढेर सारे कमेंट किए थे। लाइक कई किसी ने बोला, सर मुझे इसका ग्रेड बना के ई टेस्ट पे कैसे करते हैं इसको बताइए। किसी ने बोला, सर ऑटोकैड में अगर हमको किसी को प्लान देना है तो क्या क्या चीज़ें कंसिडर करके रखते हैं उसको हमको बताइए। किसी ने बोला, सर इसका 3D मॉडल कैसे बनाते हैं। किसी ने बोला, इसका डिटेलिंग टेक्ला पे कैसे करते हैं। ये सारे 10-15 क्वेश्चंस थे जो अलग अलग लोगों ने पूछे मेरे से। तो मुझे लगा कि यार एक वीडियो में तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने सोचा अगर इसका एक सीरीज स्टार्ट कर दिया जाए, जिस सीरीज में सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे ऑटोकैड में प्लान ड्रॉ कर से कैसे करते हैं। उसके बाद फिर मैं उसी प्लान का ग्रिड कैसे तैयार करके ई टेस्ट में कैसे लोड लगा के एनालिसिस करके डिजाइन कर सकता हूँ ये बता दूँ, और उसी प्लान का स्टैट प्रो में मॉडल बना दूँ, और उसी प्लान का रेबिट पे 3D मॉडल बना दूँ, और स्केचअप पे भी 3D मॉडल, और 3ds मैक्स पे भी 3D मॉडल बना दूँ, और उसी प्लान का टेक्ला पे डिटेलिंग कर दूँ, तो शायद आपके सारे रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। और लाइक काफ़ी लोग बोल रहे थे, सर अभी इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए जिसमें हम प्रॉपर मॉडल कर सकें, इंडस्ट्री से प्रोजेक्ट ले सकें। तो अभी तक मेरे पास लाइक इधर 20 प्रोजेक्ट नहीं आ रहे थे। आपको भी पता है कि कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ था, अचानक से मेरे पास अभी प्रोजेक्ट्स आए। तो एक प्रोजेक्ट मेरा ही प्रोजेक्ट आया, और लाइव प्रोजेक्ट ही मैं आपको कराने जा रहा हूँ। अभी मैंने कुछ भी उसमें सोचा नहीं है, जस्ट आपके साथ ही सोच के कंप्लीट मॉडल उसका मैं 3D मॉडल भी देना है, स्ट्रक्चर की भी एनालिसिस करके देना है, और 2D भी देना है, और सेक्शन और एलिवेशन भी देना है ऑटोकैड में। तो ये तीन चार चीज़ें तो देनी ही देनी है। साथ में कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दूँ, जैसे 3ds मैक्स पे 3D मॉडल मैं एक्स्ट्रा कर दूंगा, और मुझे स्टैट प्रो पे एनालिसिस देनी थी। मैं आपकी यार आपने क्वेश्चन पूछा था तो मुझे देख सॉरी नाम नहीं याद है, लेकिन कई लोगों ने बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे थे। तो ई टेस्ट में उसका ग्रेड बता दूंगा कैसे लगा के लोड लगाते हैं, और उसी प्लान का मैं टेगला पे डिटेलिंग भी कर दूंगा। एक काम आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको अपने फेसबुक पेज पे या व्हाट्सएप पेज पे शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप इस पे व्यूज़ आते रहते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है यार कि और बनाओ, लोगों को अच्छा लग रहा है। और जब मोटिवेशन नहीं आता, लाइक मैंने टेक्ला का सीरीज स्टार्ट किया, कुछ लोगों ने बोला सर आगे नहीं किया आपने। हाँ यार आगे नहीं किया, क्योंकि उसका मेन रीज़न ये है कि 25 व्यूज़, 28 व्यूज़ ये इनफ नहीं होता, और इससे मेरे यूट्यूब पेज पर इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए मैंने बनाया नहीं उसके आगे। लेकिन अगर आप शेयर करते हो, डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, मैं आपको एक एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं ये सीरीज, देखते हैं आपको ये सीरीज कितना पसंद आता है। सो ये पहला वीडियो है तो अच्छे से प्यार दीजिएगा जिससे कि आगे भी बनाए। देखिए दोस्तों, प्लान स्टार्ट करने से पहले देखा होगा मेरे कर्सर का साइज, देखिए क्या साइज है इससे मैं कर्सर की। तो कर्सर की साइज आप बोलोगे सर ये क्यों रखा है, इससे ना ड्राफ्टिंग ईजी हो जाती है दोस्तों। लाइक जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे जरूरत नहीं है इसकी, जब मैं प्रोजेक्ट करता हूँ तो मुझे बड़ा बड़ा कर्सर की जरूरत होती है, तो बड़े कर्सर से मुझे फायदा होता है। तो बड़ा कर्सर कैसे ले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको मैं बड़े कर्सर से डिस्कस करता हूँ। ओपी लिख के एंटर करिएगा, ऑटोकैड में बहुत बड़ी कमांड है ये, ओपी करके एंटर करेंगे तो ये ऑप्शन कमांड खुलती है दोस्तों। ऑप्शन कमांड खुलने के बाद यहाँ पे क्रॉस हेयर साइज होती है, क्रॉस हेयर साइज ऐसे करके इसको जितना आप बढ़ाना चाहे बढ़ा दें, और ये बढ़ा के अप्लाई कर दें दोस्तों। ये कर्सर तो बढ़ा देता है, लेकिन उसके बीच में देखा होगा आपने पॉइंट, ये पॉइंट ग्रिप साइज और पिक बॉक्स साइज, ये दोनों साइज आपकी नहीं बढ़ती। आप बोलते हो सर कर्सर तो बढ़ गया, ये नहीं बढ़ रहा है। हाँ जी, तो सिलेक्शन पे जाइएगा, और सिलेक्शन पे जाके ग्रिप का जितना साइज रखना हो और पिक बॉक्स साइज को जितना साइज रखना हो सब रख दीजिएगा, और रख के अप्लाई, और अप्लाई करके ओके। हाँ एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, इस प्लान में मैं बीम कॉलम फुटिंग सबका डिटेलिंग भी डिस्कस करने वाला हूँ। जो भी प्लान हम लोग बनाने वाले हैं इस पे बीम कॉलम फुटिंग सेक्शन मीन्स आर्किटेक्चर प्लान, स्ट्रक्चर प्लान, सेक्शन और एलिवेशन पूरा होने वाला है। चार पांच पार्ट इसके बनेंगे, फिर एक एक पार्ट अलग अलग सॉफ्टवेयर के बनेंगे। सो प्लीज़ आप डेली इसको कन्वे करते रहिएगा कंटिन्यू। ये लगभग 10 दिन तक जाने वाला है, अगर आप कंटिन्यू व्यूज आपके आते रहेंगे तो ज़रूर इस पे जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहला मैं इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, यूनिट चेंज करना। तो यूनिट चेंज करने के लिए यहाँ पे यू एन लिख के एंटर करते हैं, आपको ही पता होगा। नाउ जस्ट गो टू आर्किटेक्चर एंड देन इंचेस एंड देन क्लिक ओके। नाउ फर्स्ट वर्क इज जस्ट ड्रॉ द प्लॉट लाइक स्टैंडर्ड प्लॉट साइज,
द प्लॉट साइज वॉज जस्ट ऑन योर ऑर्थो फॉर स्ट्रेट लाइन 32 फीट आर ई इंटर। रीजन कमांड से इसको हम लोग कम कर सकते हैं, और कम करना आर ई इंटर, अदरवाइज लिमिट कमांड मैंने आपको बताया है, लिमिट कमांड डाल के पेज का आप सेट कर दीजिए कि पेज कितने दूर जाना चाहता है। और ये था इनका 56 फीट, 56 फीट, 32 फीट, ये इस तरीके का प्लॉट है। ओके, और अगर ये आपको प्रॉब्लम करता है इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके यूएसएस आइकन और इसको ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास प्लॉट का साइज है। अब कई लोगों ने बोला सर प्लॉट को लेने के बाद क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं और कैसे कैसे इसको मतलब कि हम समझेंगे कि हमको क्या क्या करना है। यार ये एक बड़ा मिस्ट्री है, ठीक है, इसको एक दिन में नहीं सीखा जा सकता है, बट मैं आपको कुछ गाइडलाइन बुक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करता हूँ जिनको आप पढ़िए और पढ़ के आप एक एक चीज़ जान सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेना चाहूँगा उनके बारे में। चलिए, बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग, बिल्डिंग बाय लॉ। हर एक सिटी का अपना बिल्डिंग बाय लॉ होता है दोस्तों, आपके भी सिटी का, आपके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक रूल होता है कि कितना फ्रंटल एरिया छोड़ना है, कितना बैकएंड एरिया छोड़ना है, कितना साइड एरिया छोड़ना है, उसका एक रूल होता है। प्लिंथ कितना देना है वो उसके लिए भी इसमें डिस्कस होता है। चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें हम लोगों को सीखना चाहिए। एक पूरी बुक है तो मैं इसके दो बुक्स हैं मेरे पास जो मैं प्रीफर करता हूँ, आप भी उनको पढ़ लो तो हर एक सिटी का नियर अबाउट सेम ही स्टैंडर्ड्स रहता है। Why build? What is building by law? Okay, the rules and regulation formed by town planning and authorities covering the requirements of buildings, ensuring safety of the public through open space, minimum size of the room and height and area limitation are known as building by law. Area का limitation, ठीक है, sizes of room, open space कितना छोड़ना है, building requirements and safety, these are the major factor for building by law. रूल्स एंड, आपको नहीं पता होगा अगर बिल्डिंग बाय लॉ तो समझ आज जान लीजिए कि बिल्डिंग बाय लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। बिना इसके आप प्लानिंग जो सेंशन होने वाले प्लान होते हैं उनको हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते विदाउट इसके। रूल्स एंड रेगुलेशन विच लार्जली रेगुलेटेड द बिल्डिंग एक्टिविटीज शुड बी फॉर्मुलेटेड टू गेट डिस्प्लेस ग्रोथ एंड ऑफ द बिल्डिंग एंड द बेटर प्लान एंड डेवलपमेंट ऑफ द साउथ टाउन एंड सिटीज। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आप पढ़ेंगे खुद से, ठीक है, जिसमें हम लोग फायर नोज हेल्थ ये सब डिस्कस मतलब इन सब को ध्यान में रखते हुए करते हैं। स्कोप क्या है इसका, लाइक इसके लिए फ्रंटल एरिया लाइन क्या होता है, मिनिमम प्लॉट लाइन क्या होता है, बिल्ट अप एरिया क्या होता है, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या रखेंगे, सेफ्टी, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सब कुछ बिल्डिंग वे लॉ में होता है दोस्तों। तो जिसने भी हमसे ये पूछा कि कैसे प्लान करते हैं तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द बिल्डिंग वे लॉ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया, प्लिंथ एरिया क्या होता है, बिल्टअप एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया क्या होता है, सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है, वैसे मैंने पहले डिस्कस किया है इसके बारे में। यहाँ पे बिल्टअप एरिया में क्या क्या रैम्प्स क्या होते हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, प्लिंथ एरिया। अगर आप चाहते हो कि इस पे मैं बिल्डिंग बाय लॉ पे अलग से वीडियो बनाऊँ तो भी नीचे कमेंट करिए, क्योंकि उसको मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, अदरवाइज पूरा वीडियो बिल्डिंग बाय लॉ पे ही चला जाएगा। देखिए बिल्टअप एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ वॉल्स प्लस कारपेट एरिया, मतलब ये जो हमारी वॉल्स है ब्लू कलर की, ये सब कुछ और प्लस ये येलो लाइन, ये भी मतलब कि अंदर का लाइन और प्लस बाहर का लाइन पूरा मिला के क्या होता है, ये बिल्टअप एरिया। सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है, सुपर बिल्टअप एरिया में दोस्तों एरिया वॉल्स, एरिया वॉल्स मतलब ये सारी ये देख रहे हो ये कॉर्नर कॉर्नर, कारपेट एरिया, कारपेट मतलब येलो वाला एरिया प्लस कॉमन एरिया, मीन्स ओवरऑल जहाँ पर लिफ्ट लगा है वो भी सुपर बिल्टअप एरिया में ऐड होता है, स्टेयरकेस भी ऐड होता है, लॉबी भी ऐड होता है। बट बिल्टअप एरिया में क्या होता है, जो ब्लू लाइंस होती हैं प्लस जो येलो लाइन, जो येलो कलर देख रहे हो, तो इससे देखो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा होगा। और कारपेट एरिया क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ मिडिल मतलब येलो लाइन जो होती है, ये कारपेट एरिया होता है। देखिए कारपेट एरिया अगर आप इसको देखेंगे, इट इज नेट यूजेबल एरिया विद इन बिल्डिंग्स। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, यूजेबल एरिया प्लस इनर वॉल्स, जैसे कि अगर मैं देखूँ ये जो पतली वाली वॉल है ये भी कारपेट एरिया के अंदर आता है। सो आपको कारपेट एरिया भी अच्छे से यहाँ पे पता चल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, इसको आप याद कर लीजिएगा। फ्लोर एरिया क्या होता है, उसको कॉरिडोर वगैरह क्या होता है, ये सब आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा इस वीडियो में। सेट बैक डिस्टेंस, बैक में कितना डिस्टेंस रखते हैं अगर रोड है तो, एडवांटेज ऑफ सेट बैक्स, फ्रंटल एरिया, आगे चलते हैं।
आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं इसमें। एरिया लिमिटेशंस, और यहाँ पे जाइएगा, मार्जिन्स कितना रखते हैं, फ्रंट पे कितना रखते हैं, रियर में कितना रखते हैं और साइड में कितना रखते हैं, ये ज़रूरी होता है जानना। तो ये देखिए, एरिया अगर अप टू 50 मीटर्स हो तो ओपन उसका फ्रंट स्पेस इतना रखते हैं, रियर और साइड रखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर इतने से इतना हो जाए तो 1 mm, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर 0.5 मीटर साइड से रखते हैं। इफ़ योर एरिया इज़ लाइक दिस वन एरिया, तो इतना 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 आप ये पेज बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसी का मेन रिक्वायरमेंट होता है किसी भी उस प्लॉट में। अब 50 मीटर के अंदर है तो ज़रूरी नहीं कि आप इसमें फ्रंटल एरिया के अलावा, देखिए जैसे कि मेरा जो प्लॉट है वो अप टू 50 है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट छोड़ूंगा, रियर और साइड नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जगह जगह ही नहीं बचेगी दोस्तों। तो आपको ये पढ़ के रखना है जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें, और डीप में यहाँ पे दिया हुआ, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए रूम के साइजेस वगैरह भी इसमें दिए हुए हैं, अच्छे से इसको पढ़िए और आप पढ़ के अच्छे से प्लॉट को डिजाइन करिए। एक और बुक मैं प्रीफर करना चाहूँगा इसके अलावा, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जो मैं प्रीफर करता हूँ, बिल्डिंग बाई लॉ, नहीं सॉरी ये तो वही बुक है, या मॉडल बिल्डिंग बाई लॉ, ये काफ़ी थोड़ी सी बड़ी बुक है बट इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन हुआ है। देखिए हर सिटी का अलग अलग होता रहता है, और अभी अभी तो रेरा भी आ चुका है, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी, मैंने उसका एक वीडियो डाला हुआ है, सर्च कर लीजिएगा रेरा बाय आकाश पांडे, तो उसमें आपको मिल जाएगा इम्पोर्टेंट रूल्स। उसके अकॉर्डिंग भी हमको आजकल प्लान करना पड़ता है, बिल्डिंग मॉडल बिल्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो ये थोड़ी सी बड़ी बुक है, मैं थोड़ा आपको डिस्कशन कर दूंगा तो स्टार्टिंग में, अंदर आप उसको खुद पढ़िएगा, और कहीं पे अगर आपको नहीं समझ आता स्क्रीनशॉट लेके नीचे कमेंट पे डालिएगा, उसको मैं डिस्कस कर लूँगा। देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग बाय लॉ एप्लीकेशंस डेवलपमेंट पार्ट कंस्ट्रक्शन इन केस पार्ट चेंज इन यूज ऑक्यूपेंसीज, रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो क्या क्या है, डेवलपमेंट ऑल प्लान, साइनिंग ऑफ द प्लान मतलब प्लान को साइन करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट उतना चाहिए उसमें, नोटिस ऑफ अल्ट्रेशन, बिल्डिंग परमिट फीस क्या होती है, सेंसेंस क्या होता है, नोटिस ऑफ कंप्लीशन क्या होता है, डेवलपमेंट कोड्स क्या होता है, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ है इस बुक में। इसके बाद जनरल बिल्डिंग रिक्वायरमेंट एंड सर्विसेज, उसमें क्या क्या होना चाहिए, किचन होना चाहिए, रूम होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, उसका साइजेस भी इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, स्टोर रूम, गार्बेज, बेसमेंट का पैरापेट, कैबिन, बाउंड्री वॉल, सेप्टिक मीटर रूम्स, स्टेयर केस, रूफ, स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, इनकम हाउसेस, ग्रुप हाउसिंग्स, नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, अदर जनरल रिक्वायरमेंट्स, ये सारे कुछ डियर इसमें दिए हुए हैं आपको दोस्तों, पढ़ लेना चाहिए इसको अच्छे से। और यहाँ पे जैसे कि बिल्डिंग इन मिनिमम एरिया उसके लिए क्या छोड़ना चाहिए, प्रोविजंस क्या क्या है लाइक बिल्डिंग को पास कराने के लिए, टॉयलेट वगैरह का, रूम का साइज क्या रखना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, आपको सुना होगा आपने कि वाटर को हार्वेस्ट करके इसे मुंबई में बहुत अच्छा चल रहा है, ये लोग वाटर को स्टोर कर रहे हैं उसके बाद फिर उसे रीयूज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, रेन हार्वेस्टिंग्स। ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है, मैंने बताया था एक बार ग्रीन बिल्डिंग के बारे में, और ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है दोस्तों, उसमें हम लोग अपना खुद का इलेक्ट्रिसिटी लाइक सोलर पैनल प्रोवाइड करते हैं, खुद का ट्रीज प्रोवाइड करते हैं, जीनो एनर्जी बिल्डिंग भी उसी कॉन्सेप्ट से बना हुआ है। ग्रीन कंक्रीट भी मैंने बताया था आपको, ग्रीन कंक्रीट क्या होता है दोस्तों, ग्रीन कंक्रीट में हम लोग ढेर सारे जो हमारे वेस्टेज ऑफ कंक्रीट होते हैं उनको फिर से रीयूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रीन कंक्रीट। फायर प्रोटेक्शन एंड फायर सेफ्टी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये तो अगर बुक पढ़ाया जाए तो कम से कम 1 महीने लग जाएंगे, इसलिए प्लीज़ आप इसको खुद से पढ़िए, और आपको लगता है कि नहीं सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तब मुझे बोलिएगा और तब मैं ज़रूर इसके बारे में बताऊँगा। चलिए डिस्कस करते हैं हम अपने प्लान के ऊपर, तो मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा, रूम के साइजेस। वैसे तो आजकल इंटरनेट की दुनिया में सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस करते रहेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाता है कि क्या रूम का साइज रखना चाहिए। तो ये आपके पास रूम के साइजेस आने वाला है, तब तक हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये हमारे पास प्लान है। अब इस प्लान में हमको अपना एरिया डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग को एरिया क्या रखना है। देखिए दोस्तों कुछ जगहों पे जैसे कि ये प्लान मैं इलाहाबाद सिटी का बना रहा हूँ क्योंकि मैं प्रॉपर इलाहाबाद से हूँ, तो
वहाँ पे जो लोग मैक्सिमम घर के लिए यूज करते हैं, दे आर यूजिंग द रेसिडेंशियल कन्वेंशनल ब्रिक्स। तो आपको पता होना चाहिए लाइक कन्वेंशनल ब्रिक का साइज क्या होता है। उसका साइज होता है 90, मतलब उसका आउटर वॉल जो होता है उसका साइज होता है 230 mm, और उसको अगर हम लोग फीट इंचेस बात करें तो 9 इंचेस। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑफसेट कर देंगे 9 इंचेस का। सो 9 क्लिक एंड 9 फ्रॉम दिस साइड, 9 फ्रॉम दिस साइड एंड 9 फ्रॉम दिस साइड। तो हमने क्या किया, आउटर वॉल्स बना दिया, अच्छे से डिस्कस कर लिया आउटर वॉल्स को। अब इसके बाद इनर वॉल की डिस्कशन करेंगे कि इनर वॉल का साइज हमको क्या रखना है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि लिविंग रूम दोस्तों बनाना है तो बहुत ही अच्छा होता है कि देखिए मैंने दोनों ही यूनिट रखा है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू मेक इन स्मॉल लाइक फिट इन इंचेस, तो 12x18 इज गुड साइज, 16x20 इज मीडियम साइज एंड लार्ज साइज इज दिस वन। ओके, डाइनिंग रूम इज 10x12, 12x16, 12x18। फैमिली रूम्स 12x16, 12x, इसको हम लोग ड्राइंग रूम भी, मास्टर रूम, बेडरूम भी बोल सकते हैं, और ये 16x13। मीटर में भी आपको यूनिट दिया हुआ है, बट मैं जिसको देने वाला हूँ उनको कंस्ट्रक्शन में इजी हो, इसलिए दोस्तों मैं उनको फिट इंचेस में ही बना के देने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे। ये आपको मिल जाएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं आप अपने पास। इसके थ्रू आप रूम्स बना सकते हैं और रूम बना के अच्छे तरीके से किसी को दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी एक रेसिडेंशियल प्लान है, सो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करके हम फ्रंट एरिया दे देंगे इसमें 14 फीट। आप बोलोगे सर 14 फीट क्यों दे रहे हो, तो 14 फीट हम इसलिए दे रहे हैं, हम यहाँ से स्टेयरकेस निकाल देंगे ऊपर की ओर जाने के लिए। ओके, और यहाँ पे इनको हम लोग एक कार पार्किंग दे देंगे, अच्छे तरीके से कार पार्किंग आ जाएगी, एक बाइक पार्किंग भी आ जाएगी, और यहाँ पे इनका स्टेयरकेस आ ही रहा है। तो हमारा फ्रंटल एरिया जो है वो हमने 14 फीट छोड़ दिया। हमने अभी डिस्कस किया था बिल्डिंग बायलॉ में कि फ्रंटल एरिया छोड़ना चाहिए, साइड और रियर भी छोड़ना चाहिए अगर वो 50 मीटर स्क्वायर के ऊपर हो, बट ये है नहीं तो हम लोग साइड एरिया नहीं छोड़ेंगे। ओके, अब इसके बाद हम लोग वेंटिलेशन अच्छा हो इसके लिए काम और करेंगे। इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ऑफसेट। अब देखिए मैं आपके सामने ही प्लान कर रहा हूँ तो आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग सकता है। 5 फीट का हमने ऑफसेट छोड़ दिया जिससे कि प्रॉपर हमारे घर में वेंटिलेशन बना रहे, लाइक इस पे अंधेरा ना आए। ओके, इधर से हम लोग जाएंगे और इधर से जाके हमने 12 फीट इधर की ओर जाएंगे और 14 फीट इधर की ओर जाएंगे, 12 फीट इधर से और 14 फीट इधर से हम लोग गए। ये 14 गए कितना गए, एक मिनट में चेक करना चाहूँगा, मैं कन्फ्यूज। ओके, 12 फीट इधर से और 14 फीट इधर से, 12x14 का हमने एक ड्राइंग रूम बनाया यहाँ पे। और ड्राइंग रूम बनाने के बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके इसको ऑफसेट कर देंगे 10 फीट का। तो हमने 10 फीट का ऑफसेट किया तो 10 फीट इतना ही आ रहा है। 10 फीट का ऑफसेट हमने इसलिए किया, हम यहाँ पे किचन का सेटअप देने वाले हैं। किचन का सेटअप मैं यहाँ पे इसलिए प्रीफर करूँगा क्योंकि अगर हमने मान लीजिए इधर से गए और इधर हमने किचन रख, इधर हमने अपना स्टेयरकेस लगा दिया और इधर हमने अपना पार्किंग रख दिया, तो प्रॉपर हमारा जो वेंटिलेशन, जो इसका हीट है, वो हीट इधर से निकल जाएगा। प्रॉब्लम क्या होती है आजकल के घरों में, पूरा का पूरा हीट पूरे घर में बना रहता है। हम पूरे घर को क्यों डिस्टर्ब करें, अगर हम किचन यहाँ रख दें तो हमारा वेंटिलेशन इधर से निकल जाएगा अच्छे से। वही मेरा एम था। अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास बीच का एरिया बहुत ज़्यादा बच रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया देखिए 10 फीट बच रहा है, जितना कि हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम लोग और 3 फीट 4 फीट बढ़ा देंगे। तो हमने 4 फीट बढ़ा दिया इसको, जिससे कि 6 फीट इनफ है। हमको पता है कि 6 फीट हमारा बहुत है जाने आने के लिए यहाँ से अंदर की ओर, और यहाँ पे हमारा किचन का सेटअप है ही। अब हमने डिस्कस ये हमने फाइनल किया कि हम यहाँ पे ये रख देंगे और यहाँ पे इस तरीके से। तो दोस्तों जो हम लोग प्लान बनाते हैं तो कई बार उसे प्लानिंग में चेंजिंग्स आती है, उसके बाद क्लाइंट को पसंद आता है कि नहीं वो भी इंपॉर्टेंट होता है। इनर वॉल 4.5 फीट का रखेंगे, तो हमने 4.5 इधर से लिया और 4.5 इधर से लिया और 4.5 इधर से लिया। इसके बाद हम लोग मेट का लाइन डिलीट कर दिया, जिससे कि हमें पता चल गया कि अंदर जाने का रास्ता ये है। और साथ ही साथ अब किचन जो है हमारा 10 फीट बाई 10 फीट इज इनफ। देखो ये 10 फीट है और इधर हमने 10 फीट से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑफसेट ले लेंगे।
10 फीट बाई 10 फीट हमने ले लिया, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हमने रिरेज कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, ऑफसेट 4.5, 4.5, एक हमारे पास ड्राइंग रूम हो चुका है और एक हमारे पास किचन बन चुका है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इसको सेटअप करेंगे और सेटअप करके 4.5 फिट ऐसा रखेंगे और साथ ही साथ इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके ऑफसेट कर देंगे, और ऑफसेट किया हमने 12 फिट का। 12 फिट का ऑफसेट करने के बाद इसको अब देखिए कितना था, ये 16, तो हमने इसको ऑफसेट किया और ऑफसेट करके इसको दे दिया हमने 14 फीट इधर से दे दिया और 14 फीट इधर से दे दिया, और उसके बाद हमने इसको बीच में एक छोटी सी गैलरी दे दी अच्छी खासी, और इसको हम एज ए स्टोर रूम भी इसके ऊपर यूज कर लेंगे स्लैब, मैं बताऊंगा आपको कैसे, उसको लो हीट स्लैब बोलते हैं। 7 फीट के ऊपर एक स्लैब डाल दूंगा और उस स्लैब के अंदर स्टोर रूम बना दूंगा, तो उससे स्पेस भी अच्छा से यूज हो जाएगा और इनको एक बालकनी टाइप का भी मिल जाएगा। इस तरीके से हमने तैयार किया। ओके, देखिए एक बार आपको फिर से दिखा दूं, देखिए कितने फिट का है, 14 फिट का है और ये 12 फिट का है, तो 14x12 का एक अच्छा लिविंग रूम आ जाता है। साथ ही साथ मैं इनके लिए बाथरूम यहाँ पे दे दूंगा, इनके लिए बाथरूम यहाँ दे दूंगा, और प्रॉपर ये वेंटिलेशन भी आपका छूटा रहेगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब ये रहा हमारा ड्राइंग रूम और ये रहा हमारा किचन। अब हम देखते हैं कि कितना एरिया हमारे पास बचा हुआ है, रेस्ट ऑफ द एरिया कितना है। एरिया हमारे पास 15 फीट है, जो कि काफ़ी अच्छा एरिया है, ठीक है। तो हमने 15 फीट में क्या क्या करने वाले हम लोग, यहाँ पे एक 10 फीट का एक रूम दे देंगे, स्टडी रूम के फ्लोर पे उसको हम लोग बना देंगे। तो हमने 12 फीट इधर से लिया और इधर से 12 फीट नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, लेकिन मैं इधर से फिर भी 10 फीट ही रखूँगा। इसका एक फ़ायदा होगा कि इधर से आपको एरिया कन्वे करने में, इस एरिया को यूज करने में आपको फायदा होगा और प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे एरिया कितना है। दोस्तों ये एरिया थोड़े से प्रॉब्लम कर रहा है, रीजन क्या है, अगर हमारा अगर देखिए हमें पूरे इन फ्यूचर का भी प्लान करके रखना होता है कि अगर हम इधर से एंट्री किए और एंट्री करने के बाद अगर हमने हमारे घर में कुछ बड़ा सामान लेके आना है, तो अगर वो इधर से एंट्री नहीं हो रही है सामान की, तो आपको प्रॉब्लम जाएगी। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं आगे की ओर 2 फीट और ज़्यादा मूव करने वाला हूँ। तो जब मूव कर लेंगे 2 फीट तो हमारे पास देखेंगे हम कितना एरिया आ जाता है, या 4 फीट आ गया, जो कि हमारे लिए काफ़ी है 4 फीट। और जब 2 फीट उसको मूव कर रहे हो तो उसको भी 2 फीट मूव कर दो, तो 2 फीट, जैसे कि इन दोनों का अलाइनमेंट नहीं से गड़बड़ हो। और साथ ही साथ हमारे पास अब यहाँ पे आ रहा है 7 फीट, और 7 फीट हमारे पास ओपन स्पेस है जिसको हम लोग एज ए डाइनिंग टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, और हमारे पास ये एरिया बचा हुआ है। तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ ना बना के, इसको मिरर कर दीजिए, यहाँ पर रख देंगे तो मोर बेस्ट होगा। रीजन क्या है, ये हमारे पास एक हॉल हो जाएगा, जिस हॉल को हम लोग कभी कुछ पार्टी वगैरह किए, कभी बुक किए, कभी यहाँ पे हमने अच्छा सा डाइनिंग टेबल सजा दिया, कोई बर्थडे पार्टी भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब अच्छा रहेगा कि हम लोग सीधे यहाँ पर एक रूम दें और यहाँ रूम दें, क्योंकि इस रूम का वेंटिलेशन हमको ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसका रूम इधर से हम देने वाले हैं और उसका गेट इधर से देने वाले हैं, ठीक है। और अब इसकी जो ये जगह बच रहा है, इस जगह का कोई यूज़ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ तक रख देंगे। ओके, अब प्रॉपर आया है रूम का सेटिंग, ये देखिए 13 फीट का बहुत ही अच्छा रूम आ गया, और इधर से कितना है, अगर 12 फीट है तो इनफ है, या 12 फीट है तो बहुत ही अच्छा एक रूम का प्लानिंग हो गया। 12 फीट बाई 13 फीट का ये रूम बन गया, जो स्टडी रूम है हमारा। हम चाहें तो इसको 1 फीट एक्स्ट्रा इधर की ओर कर दें तो और बड़ा हॉल हमको मिल जाएगा, 1 फीट और इधर कर दिया,
अब परफेक्ट है। और इसके बाद अब इनर वॉल रखने के लिए आप इसको सेलेक्ट करिए, ऑफसेट करिए 4.5 का, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5। इस तरीके से हमने 4.5 के सारे ऑफसेट कर लिए। और अब आपको एकदम समझ में आ चुका होगा प्लानिंग। यहाँ पे हम लोग स्टेयर केस देने वाले, यहाँ से आएगा स्टेयर केस और ये इस तरीके से स्टेयर केस आएगा। इसका एलिवेशन मैं बहुत ही अच्छा बनाने वाला हूँ क्योंकि ये मेरे दोस्त का प्लान है, तो अच्छा होगा कि उसका, फिलहाल तो हम लोग सभी के प्लान अच्छे ही बनाते हैं, बट स्पेशल कुछ उसको देना है जैसे कि कुछ अलग दिखे। तो मैं इसमें यहाँ पे स्टेयर केस दे दूंगा, यहाँ पे पार्किंग दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि 12 फीट का पार्किंग भी इनफ है और ये बाइक के लिए भी रख सकते हो, प्लस ओपन स्पेस यहाँ से जा सकते हैं। और यहाँ पे जब एंट्री किया तो ये हमारा एक ड्राइंग रूम बैठ गया जिसके अंदर एक हॉल बैठा देंगे, टीवी सेट लगा देंगे और यहाँ पे एक किचन का प्लान कर देंगे, मतलब किचन बना देंगे। यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल लगाएंगे, साथ ही साथ ये पूरा का पूरा एरिया खाली रख देंगे। अगर उनको रखना होगा तो वो लोग यहाँ पे एक छोटा सा पूजा का मंदिर लगा सकते हैं, नहीं रखना होगा तो भी एक खाली हॉल बहुत अच्छा लगता है घर में। और एक रूम यहाँ पर रख देंगे, एक रूम यहाँ पर रखेंगे और एक स्टडी रूम यहाँ पर रख देंगे। और साथ ही साथ मैं एक बाथरूम यहाँ देने वाला हूँ, एक बाथरूम यहाँ देने वाला हूँ, ठीक है। और एक बार उनसे पूछूंगा, अगर उनको एक और बाथरूम की ज़रूरत होगी तो हम लोग एक बाथरूम और कहीं पर एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस काफ़ी है, लाइक एक स्पेस तो यहाँ पे ही बाथरूम दे सकते हैं। अदरवाइज हम लोग एक बाथरूम अपने स्टेयरकेस के नीचे भी दे सकते हैं क्योंकि स्टेयरकेस आपका ऐसे जाएगा, तो ऐसे में आएगा तो नीचे यहाँ पे स्पेस काफ़ी आएगा, उस स्पेस को हम लोग रीयूज कर सकते हैं एज अ बाथरूम। ओके चलिए, तो हमने इसको बंद कर दिया यहाँ से। इनको सबको ट्रिम करना होता है क्योंकि रियल में तो ऐसा रहेगा नहीं। दोस्तों ये प्लान कैसा लगा? इस प्लान में अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में का सजेशन दीजिएगा। दोस्तों जो मैंने बिल्डिंग बाय लॉ आपके लिए दिया है, प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे बोला था और मैं इसका पूरा का पूरा सीरीज करने वाला हूँ यार। तो मेरे एक ही रिक्वेस्ट, अच्छे से यार शेयर करो क्योंकि जब शेयर नहीं करते हो ना तो मुझे मुझे लगा था मैं टेक्ला का सारा वीडियो बनाऊंगा, बट जब व्यूज़ नहीं दिखे तो मेरा मन नहीं किया। और साथ ही साथ मन इन द सेंस क्या लगता है कि मतलब मोटिवेशन नहीं मिलता है, सीधे सीधे मैं बता लूँ तो। और अगर आप इसमें अच्छे से देंगे तो मैं ना इस एक और प्लान बना दूंगा जिसमें पूरा का पूरा 100% वास्तु, 100 तो नहीं होता है, 80% वास्तु के अकॉर्डिंग मैं आपको प्लान करके भी दिखा दूंगा। वैसे मैंने वास्तु के बारे में भी एक वीडियो बनाया था, काफ़ी लोगों ने पसंद किया उसको, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यस डन। अब जो सिंगल लाइन से आपको पता है सिंगल लाइन ट्रिम नहीं होती है, तो इनको हम लोग ऐसे ट्रिम कर देंगे। डन, यस 100% डन हो गया। और अब इसमें हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, डोर एंड विंडो, पर ये पार्ट बहुत बड़ा हो चुका है तो आई थिंक इनफ है इस पार्ट के लिए, इतना रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे डोर विंडो डायमेंशन और उसके साथ ही साथ अपने लाइक टेस्ट टेक्स्ट मतलब कहाँ पे क्या रखा हुआ है वो, और स्टेयर केस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो 5 पार्ट में होने वाला है। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में नीचे कमेंट करिए, और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।